वाराणसी से बजरंग बली तिवारी, पत्रकार की रिपोर्ट। एलटी कॉलेज में विकास खंड हरमुआ सेक्टर नंबर 3, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कुसुम लता यादव, पत्नी उमाशंकर यादव सोनू ने किया नामांकन। उमाशंकर यादव ने कहा, किसानों के हो रहे फसल नुकसान को दिया जाएगा प्राथमिकता। वाराणसी एलटी कॉलेज में नामांकन के लिए विकास खंड हरमुआ सेक्टर नंबर 3 की जिला पंचायत सदस्य पद हेतु श्रीमती कुसुम लता यादव, पत्नी उमाशंकर यादव सोनू ने नामांकन किया। पूर्व प्रधान रहे कोहासी उमाशंकर यादव उर्फ सोनू ने कहा कि आज के दौर में रोजगार व किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, जिसके अंतर्गत छुट्टा पशुओं के द्वारा किसानों के फसलों को नुकसान किया जाता है और उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सर्वप्रथम मैं आवाज उठाऊंगा, जिससे गरीब किसानों का नुकसान न होने पाए व उसके नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें मुआवजा मिले। उमाशंकर यादव ने यह भी कहा कि आज के दौर में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हर युवा बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत है, जिसके लिए यह आवाज भी उठाना जरूरी है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिल सके। परिचय बताएं। किस ग्राम सभा से आप बिलोंग करती हैं? आज नामांकन हुआ, शासन प्रशासन के द्वारा नामांकन स्तर पर किस तरह का व्यवस्था किया गया था, यह आप हमारे दर्शकों को अवगत करें। कोरोना का दौर चल रहा था, प्रशासन के द्वारा वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? आप अपना परिचय अवगत करें। उमा शंकर और सोनू यादव, पूर्व प्रधान को हासिल। आज नामांकन किया गया, किस तरह की व्यवस्थाएं रहे? एक ही थी, कोरोना को देखते हुए सब लोग सावधानी बरत रहे थे। समाज में किस तरह का बदलाव होगा किसानों के हित में और युवाओं के हित में, यह आप हमारे दर्शकों को बताएं। किसान परेशान है, पूरे जाड़ा भर किसान लाइट और गोजी लेकर के पूरी जाड़ा भर खेत के डांड पर बैठ करके किसान ठंडी के सीजन में पूरा सो नहीं पाता था, उसके बावजूद जंगली पशु, आवारा पशु बहुत उनका क्षति कर दिए। क्षति का भरपाई अगर आप जीत पाएंगे तो किस तरह से कराएंगे? मैं इस आवाज को, किसानों की दर्द को उठाऊंगा, चाहे वह मिनी सदन बनारस की जिला पंचायत हो या उसमें पारित करके मैं विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करवाऊंगा। और आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप आवाज़ उठाना चाहते हैं? किसान सबसे पहले परेशान है, नौजवान परेशान है, सभी लोग त्रस्त हैं। भुखमरी के कगार पर इस टाइम लोग गुजर कर रहे हैं। भुखमरी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? भुखमरी का मुख्य कारण है कि पढ़ लिख करके लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कोरोना से त्रस्त होकर के सब लोग का धंधा व्यवसाय बहुत नीचे स्तर पर गिर गया है। अच्छे अच्छे लोग अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं, मजदूरी जब सरकार कई योजनाएं देती हैं और भेजती भी हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं को समाज तक क्यों नहीं पहुंच पाता, इस पर आप क्या कहेंगे? समाज में योजना बनती है, योजना ऐसी बननी चाहिए जो गरीब और गांव के लिए योजना बने, तभी यह देश का विकास होगा। अगर किसी अन्य योजना बनाने वाला बेधर्मी का अगर योजना बनाता है तो उससे जनता का, गरीब का फायदा नहीं होता है, न तो व्यवसाय में कोई गरीब समाज में जो लोग होते हैं वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं, आखिर क्या मुख्य कारण हो सकता है? गरीबों को बहकावा में कर करके पूरे देश को लूटा जा रहा है। गरीब एक ऐसा आदमी होता है जो अपने बात को समुचित ढंग से मत दे करके प्रयोग नहीं कर पाता है,